इन्होंने जो कांड किया था वो ये था, जो रेलवे में नौकरी देने का झांसा देके लोगों से लगभग 3-3 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिया था और इनको चार्जशीट हो गया था और फिर इसका 299 का वारंट था। रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से रुपए हड़पने के मामले में फरार चल रहे दो आरोपी आए पुलिस गिरफ्त में। प्रशिक्षु आईपीएस रामगंज थाना प्रभारी सुजीत शंकर के नेतृत्व में वैशाली नगर से दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। 12 मार्च 2019 को खानपुरा में रहने वाले अमर सिंह रावत ने रामगंज थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि नेहा चौधरी, सरताज खान, फिरोज खान और हैदर अली ने उसे रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे लाखों रुपए हड़प लिए। इसके बाद ना तो नौकरी लगाई और ना ही रुपए वापस लौटा रहे हैं। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया तो पता चला कि क्रिश्चियनगंज थाना, आदर्शनगर थाना, नसीराबाद थाना सहित अलग अलग थानों में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के लगभग 14 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पूर्व में नेहा चौधरी के पति सरताज खान और फिरोज खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं तब से फरार चल रहे नेहा चौधरी और हैदर अली को प्रशिक्षु आईपीएस सुजीत शंकर के नेतृत्व में गठित दल ने मुखबिर की सूचना पर कल वैशाली नगर से गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त कर ली। सुजीत शंकर ने बताया कि धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। चारों आरोपियों ने 14 अलग अलग लोगों से नौकरी दिलाने का झांसा देकर 3-3 लाख रुपए हड़प लिए, जिनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल हो रखी है। वहीं 299 का वारंट जारी हो रखा था जो इनकी गिरफ्तारी के साथ तामील हो गया है। सो हमने कल नेहा चौधरी और हैदर अली को गिरफ्तार किया और ये दोनों जो हैं ये लगभग पिछले 4-5 साल से फरार चल रहे थे। इन्होंने जो कांड किया था वो ये था, जो रेलवे में नौकरी देने का झांसा देके लोगों से लगभग 3-3 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिया था और इनको चार्जशीट हो गया था और फिर इसका 299 का वारंट था। तो कल वैशाली नगर में हमने इसको दबिश दिया और इसको गिरफ्तार किया। हैदर और इसका क्या रोल है इसमें? हैदर जो है वो नेहा चौधरी के घर पे काम करती थी। नेहा चौधरी की जो पति है सरताज, तो ये सब मिलके एक गिरोह टाइप बना के और इस तरह का फर्जी काम कर रहे थे। तो हैदर बेसिकली उसके घर पे काम करता था और वो इस सारे प्रकरण में सम्मिलित था। लगभग कितने प्रकरण ऐसे सामने आए हैं उनके और कौन कौन से प्रकरण? लगभग जो सरताज, नेहा चौधरी और हैदर का लगभग 14 मुकदमा है, 14-299 का वारंट है जो कल इनको पकड़ने से तामील हो गया। नौकरी के नाम पे ही ये? हाँ, ये सारे का एक ही प्रकरण है, नौकरी के नाम पे लोगों को झांसा देने के प्रकरण में इनको गिरफ्तार किया गया। हाँ, कोर्ट में पेश किया गया है और हम देखते हैं जो जेसी होते हैं पीसी, जनरली हमारे जो 299 का वारंट है उसका जो प्रार्थना पत्र देंगे तब हम उसे फिर पीसी पे लाएंगे।